तो यहाँ आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी के मौसम की मोगरी आलू। मोगरी भी आने लग गई है खूब, और यहाँ पे नए वाले आलू भी आने लग गए। तो यहाँ आप नए आलू में चाहे पुराने आलू में बनाइए, किसी भी आलू में बनाएंगे, तो यहाँ पे मोगरी आलू है जो बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। और यहाँ पे हमने मोगरी ली है बिल्कुल कच्ची कच्ची, ये देख सकते हो। और इसको इस तरीके से आपको साफ करनी है, ये देखिए, या फिर आप चाकू से भी काट सकते हो, ये देखिए। आज बिल्कुल हम नई तरीके से मोगरी आलू बनाएंगे, ना तो आपने कभी बनाई होगी, ना तो कभी देखी होगी, ना तो कभी खाई होगी। तो चलिए बनाना शुरू कर दे। बनाने से पहले हम इस तरीके से सभी मोगरी को साफ कर लेंगे, या फिर तोड़ लेंगे, या फिर चाकू से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने मोगरी को काट लिया है, और यहाँ पे हमने ले लिए 3 से 4 आलू। जो आलू लिए हमने नए वाले आलू आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए, और यहाँ पे हमने लिए 2 टमाटर मीडियम साइज के, और यहाँ लिए हमने 1 लहसुन की काट। और ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, आलू को, मोगरी को और टमाटर को सभी को हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, साफ हमने कर लिया है। अब इसके बाद में ये देखिए, इतना सारा कचरा निकल गया है, और इतनी हमने इसको इस तरीके से काटी है। किस तरीके से काटी है हम ये भी बता देते हैं आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे हम चाकू ले लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से भी काट सकते हो। सारी मोगरी है जो हमारी टाइट है, वो कच्ची है, सॉरी, ये देखिए। अब ये हम पीछे की हटा देंगे, ये क्योंकि ये थोड़ी सी पकी होती है, तो इसको हमने पीछे की हटा लेना है। और ये देखिए, इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। आप चाहो तो इसको काटने से पहले भी धो सकते हो, या फिर इसको काटने के बाद भी धो सकते हो। और आपको ये काम पहले करना है, धो के पहले से रखनी है, क्योंकि ये देखिए बीच में इसमें हॉल होता है ना, ये देखिए, तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, तो थोड़ी सी पानी पानी सी हो जाती है, यानी पानी ज़्यादा छोड़ जाती है। तो आपको ये काम पहले से करके रखना है, इनको आधे 1 घंटे पहले धो के रखना है। तो चलिए, अब हम इनको धो लेते हैं। मोगरे को 3 से 4 बार धो लिए, और यहाँ हमने आलू को भी कटिंग कर लिया है। तो चलिए, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ देखिए, हम गैस की तरफ आ गए, आलू को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद में हम गैस की तरफ चल के आ गए। अब यहाँ पे हम डालेंगे तेल। अब तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया। अब डालेंगे यहाँ पे सरसों, यानी राई। अब इसी के साथ ही हम डाल देते हैं यहाँ पे जीरा, और अब डालेंगे यहाँ पे हींग पाउडर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डाल लेनी है सीधे मोगरी और आलू। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया। अब डालते हैं आलू। और अब डालेंगे यहाँ पे नमक। तो बस यहाँ पे अब हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, और ढक्कन लगा के रख देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे रखना है हमें, अगर आप हाई पे रखते हो तो इसको 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पकाए। तो चलिए, ढक्कन लगा देते हैं हम। तो यहाँ हमारे 2 से 3 मिनट हो गए लो फ्लेम पे पकते हुए, और एक बार ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी मोगरी पक चुकी है, हल्की सी, पहले कैसी थी और अभी कैसी हो गई है, यानी हल्की सी सीज गई है मोगरी। और आलू भी हमारे हल्के से गल चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं, और अब बनाएंगे मोगरी आलू का इसके बाद में बढ़िया सा मसाला चटपटा। तो चलिए, इनको निकाल लेते हैं।
यार देखिए, हमने मोगरी आलू को निकाल लिया एक बर्तन में, और यहाँ पे हमने एक चमचा बड़ा तेल और ले लिया है, जिसमें अब हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब डालेंगे यहाँ पे लहसुन की कलियाँ 10 से 15, और इसको हमने बारीक बारीक चॉप करके ले लिए हैं। और अब डालेंगे यहाँ पे हम हरी मिर्ची, और अब डालेंगे यहाँ पे हम प्याज। प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट के डाल रहे हैं, और अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे, प्याज को लहसुन को। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज है जो सिक चुकी है, और अब डालेंगे यहाँ पे हम टमाटर और बाकी के मसाले। तो यहाँ बारीक टमाटर डाल दिए हमने कटे हुए, तो टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, और मसाले डाल लेंगे हमने। तो यहाँ हमने पहले ही नमक डाल दिया है, अब मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी। और यहाँ डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटी चम्मच, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। नमक हमने पहले डाल दिया, ध्यान रहे। तो यहाँ देखिए हमने सभी मसाले डाल दिए, अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला, और मिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए, और मसाले को जब तक पकाएंगे जब तक मसाले में से तेल अलग नहीं हो जाता। तो अच्छे से पकने देते हैं मसाले को चलाते हुए, आप चाहो तो ढक्कन लगा के भी पका सकते हो। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला है जो अच्छे से पक चुका है, मसाले में से तेल है जो पकाते पकाते अलग हो गया है, और यहाँ पे मसाला हमारा दानेदार बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ डाल देंगे अब हमने मोगरी आलू, और अच्छे से मसाले के साथ में मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है, फिर वापस से हम ढक्कन लगा के रख देंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से मिला लिया, अब ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। और तो यहाँ हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया लो फ्लेम पे। हमारे 2 से 3 मिनट हो गए, यानी टोटल हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था, और ढक्कन को उठा लेते हैं और एक बार हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पूरे तरह से आलू भी गल गए हैं, मोगरी भी गल चुकी है। तो यानी हमारी मोगरी आलू की सब्जी है जो बन के तैयार है। अगर आपको मोगरी आलू की नए आलू के साथ में सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए। और मोगरी आलू की सब्जी तो हर किसी को नहीं आती है, मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप प्लेट तो प्लेट, कटोरिया और रोटी, उंगलियां सब चाट चाट कर खाएंगे। और अब इसमें डाल देते हम थोड़ा सा हरा धनिया,